हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शाह नवाज़, योर फिज़िक्स टीचर, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी विद अ लेक्चर फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। स्टूडेंट्स, अभी आप सामने कुछ स्नैप्स देख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल हीटर है, इलेक्ट्रिकल रूम हीटर है, इलेक्ट्रिकल आयरन है, बल्ब है, वाटर हीटर है। ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं जो कहीं ना कहीं हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये सारे की सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, ये किस करंट के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पर काम करते हैं। या अगर मैं कहूँ कि व्हाट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दीज अप्लाइंसेज टू वर्क, तो इट्स अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अगर मैं हीटिंग इफेक्ट की बात करूँ, तो पहले हम इसको थोड़ा समझें कि ये डिज़ायर्ड भी होता है और अनडिज़ायर्ड भी होता है। जिस तरह से अगर मैं पर्टिकुलर दूसरी अप्लाइंसेज की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फ़ोन है, या घर में और कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है जिसका यूज़ हीट प्रोवाइड करना नहीं है, उस केस में फॉर एग्जांपल आपका फ़ैन ही है, सपोज़ ये कुछ घंटों तक अगर चलते हैं या कुछ ज़्यादा समय तक अगर चलते हैं, तो डेफ़िनेटली ये थोड़े से गर्म हो जाते हैं। इस वक्त ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये अपना फंक्शन तो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं हीट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो टोटली अनडिज़ायर्ड होती है। जबकि अगर मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ जो आपको अभी सामने नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल हीटर है, इलेक्ट्रिकल रूम हीटर है, एंड बल्ब है, माइक्रोवेव ओवन है, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, या वाटर हीटर है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। आप चाहते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल रॉड को वाटर में डाला हुआ है तो आपका पानी गर्म हो जाए। आप चाहते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिकल आयरन हीट प्रोड्यूस करे ताकि आपके कपड़ों पे अच्छे से प्रेस हो सके। सो ये सारी यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट्स हैं इन अप्लाइंसेस से। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि हीट जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट है हमारा। अब अगर मैं हीट की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से हीट तभी प्रोड्यूस होती है जब वो रनिंग सिचुएशन में होता है, रनिंग कंडीशन में होता है। और रनिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपने उसको प्लग इन कर रखा है, मतलब उसको सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, उसका प्लग आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर लगा रखा है, तभी जाकर वो ऑपरेट होता है। आपने किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑन किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने अपना वर्क फंक्शन स्टार्ट कर दिया है। इट मीन्स कि उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो चुकी है। वो जो करंट उस पर्टिकुलर अप्लायंसेस से फ़्लो हो रही है, एक्चुअल में वो करंट ही कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये करंट किस तरह से हीट प्रोड्यूस करती है, उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, अभी आपके सामने आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट नज़र आ रहा है, बड़ा सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। आप देख सकते हैं, इस तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सर्किट में एक बैटरी लगी है, बैटरी के साथ में एक प्लग की लगी है। देन जैसे ही आपने प्लग की ऑन किया, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। दैट इज़ आई, द करंट इज़ बेसिकली फ्लोइंग इन दिस सर्किट। और ये करंट फ्लो होता हुआ कहाँ जाएगा? इस रजिस्टर से पास होगा। इस रजिस्टर का अपना कोई पर्टिकुलर रजिस्टेंस है, डेफिनेटली कोई ना कोई पर्टिकुलर रजिस्टेंस होगा, जिसको हमने सपोज आर से डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। जब ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा, तो डेफ़िनेटली ये कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर देगा, हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये करंट यहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा। उस पोटेंशियल ड्रॉप को मेज़र करने के लिए यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है उस पोटेंशियल ड्रॉप को मेज़र करने के लिए, ठीक है? यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पर प्लस पोलैरिटी का, यहाँ पर माइनस पोलैरिटी का। यहाँ पर हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो आइए समझते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि बेसिकली जब हमने करंट को डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि करंट इज़ बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट चार्जेस का फ्लो है। तो ये चार्जेस बेसिकली क्या हैं? ये चार्जेस जो इस पर्टिकुलर बैटरी से इमर्ज हो रहे हैं। कौन सी बैटरी? जो बैटरी यहाँ पर लगा कर रखी है, इस पर्टिकुलर बैटरी से ये चार्जेस इमर्ज हो रहे हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ करंट जो है इस पर्टिकुलर रजिस्टर से पास हो रहे हैं, क्या होगा कि जब ये चार्जेस इस पर्टिकुलर रजिस्टर से पास होंगे, तो डेफिनेटली हमें पता है कि जो आपका रजिस्टर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो करंट के फ्लो का अपोज करता है। इट मींस कि वो चार्जेस के फ्लो का अपोज कर रहा है। अब जब ये चार्जेस के फ्लो का अपोज करेगा,
तो वो चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं डेफिनेटली उनमें कोई ना कोई एनर्जी है। तो यहाँ पर वो चार्जेस इस पर्टिकुलर अपोजिशन को फील करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर चार्जेस का ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर मैं दो पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करूँ, ये पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई, तो मैं ये कहूँगा कि जो चार्जेस हैं हमारे वो इस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ मूव हो रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं। क्लियर? अब जैसा इलेक्ट्रॉन में या चार्जेस के में जो एनर्जी है वो डेफिनेटली जब इस अपोजिशन को फील करेगी तो वो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे। वो एनर्जी जब अपनी रिलीज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो एनर्जी ही कहीं ना कहीं हमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर अपीयर होती है। क्लियर? तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि वो जब चार्जेस इस पर्टिकुलर रजिस्टर से पास हो रहे थे तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो गया, जो जिसको हमने इस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर वी से मेज़र किया। क्लियर? सो यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर रजिस्टर पर एक वोल्टेज का इफ़ेक्ट आ चुका है, एक वोल्टेज का या पोटेंशियल का इफ़ेक्ट आ चुका है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं या चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं वो किसी ना किसी पोटेंशियल के इफ़ेक्ट में फ़्लो हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर रजिस्टर से जब भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी पोटेंशियल के इफ़ेक्ट में फ़्लो हो रहे हैं। अब पोटेंशियल के इफ़ेक्ट में चार्ज फ्लो हो रहे हैं, या मैं ऐसा कहूं कि पोटेंशियल के इफ़ेक्ट में चार्जेस एक प्लेस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स से पर्टिकुलर पॉइंट वाई की तरफ मूव हो रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जब चार्जेस पोटेंशियल के इफ़ेक्ट में फॉरवर्ड होते हैं तो वहां पर वर्क होता है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से ये देखा है, वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, कि जब आप किसी पर्टिकुलर चार्ज को किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल के इफ़ेक्ट में मूव करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर वर्क होता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो वर्क हुआ है यहाँ पर चार्जेस के मूव होने में इन द इफ़ेक्ट ऑफ पोटेंशियल वी, ये वर्क ही, ये एक्चुअल में ये जो वर्क है, दिस वर्क ही इन द फॉर्म ऑफ हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो चार्जेस का जो वर्क है, चार्जेस के ट्रांसफ़र होने में जो वर्क हो रहा है यहाँ पर, वो वर्क ही इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें अपेयर होता है, जो हमें हीट एनर्जी के फॉर्म में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे फील होता है। सो आई कैन से व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोस थ्रू द रेजिस्टेंस एलिमेंट द फ्लोइंग चार्जेस सफर रेजिस्टेंस, वर्क हैज़ टू बी डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस व्हिच इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। क्लियर? तो चलिए, अब अगर हम हीट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन भी देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि यहाँ से फ्लो होने वाले जो चार्जेस हैं उसे हमने कहा क्यू, कि सपोज़ यहाँ से क्यू अमाउंट के चार्जेस जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं। क्लियर? और सपोज़ कि ये चार्जेस टाइम पीरियड टी के लिए फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पर क्यू अमाउंट के जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो टाइम टी के लिए फ्लो हो रहे हैं। क्लियर? अब अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो इनके लिए जो वर्क हो रहा है दैट इज़ डिफाइंड बाय द W। सो हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी, W इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्योंकि वी नो अबाउट द रिलेशन V इज़ इक्वल्स टू W बाय क्यू। एनी डाउट? सो फ्रॉम दिस रिलेशन V इज़ इक्वल टू W बाय क्यू, वी कैन राइट W इज़ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। एंड वी ऑल्सो नो दैट बाई द डेफिनेशन ऑफ द करंट, वट इज़ करंट, करंट इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस, I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी, सो वी कैन राइट हेयर क्यू इज़ इक्वल टू आई इन टू टी। नाउ वी आर हैविंग द रिलेशन फॉर द क्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, सो मे वी पुट द इक्वेशन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ क्यू इन द इक्वेशन नंबर 1 फॉर द W। सो डेफिनेटली वी कैन राइट W इज़ इक्वल्स टू क्यू, वी कैन प्लेस क्यू इज़ इक्वल्स टू आई इन टू टी हेयर एंड सेम V एज इट इज़। So finally we are having the new formula in the form of equation number 3, W is equals to V into I into T. Clear? By the definition of the Ohm's law we also know that V is equals to I into R, very old formula, many times we have already used to it in the different equations and different numericals. So now we are having the value of V, so may we put the value of V in the previous equation, W is equals to I into T into V, yeah, V into I into T. Any doubt? So we will put the value of V from equation number, from the next equation in this equation, V is equal to I into R. So W is equal to, in place of V we can write I into R and the same I into T,
So finally we are having the one more new equation, W is equals to I square into R into D. So students, ये जो equation है, ये equation define कर रही है work की equation. ये वो उस work की equation है जब charges जो basically define हो रहे हैं यहाँ पर current से, ठीक है, for the resistance से pass हो रहे थे एक particular time t के लिए, clear? तो उनको पास होने में इतना वर्क करना पड़ रहा था, W I square into R into T. और अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि बेसिकली ये जो वर्क होगा यही इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी वहाँ पर अपीयर होगा. तो डेफिनेटली हम लिख सकते हैं कि बस यहाँ पर हीट एनर्जी को अगर हम H से डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल H से, सो H इज इक्वल्स टू I square into R into T. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो इक्वेशन अभी आई है H इज इक्वल्स टू I square into R into T, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. इसे कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स हीटिंग इफेक्ट. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. अगर आपको एग्जामिनेशन में आता है तो आप ये ऊपर का जो डेरिवेशन है ये पूरा कंप्लीट करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लिखेंगे और इससे रिलेटेड जो इसका कंक्लूजन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेसिकली एच जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. अगर हम उस पर्टिकुलर सर्किट में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इस पर्टिकुलर सर्किट में थोड़ी देर के लिए मान लें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है और जो करंट फ्लो हो रही है उसका टाइम पीरियड भी बिल्कुल फिक्स है, एक कांस्टेंट है, तो वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगी करंट के स्क्वायर पर. क्लियर? कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगी उस तो सो हीट एनर्जी भी वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी वाइल आर एंड टी आर कॉन्स्टेंट. सिमिलरली वी कैन पुट एन अनदर कंक्लूजन कि अगर वहाँ पर सपोज करंट की वैल्यू फिक्स है, आपने करंट की वैल्यू को फिक्स कर रखा है और टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया कि सपोज इतने अमाउंट तक ही करंट फ्लो होगी, तब अगर आपको हीट को प्रोड्यूस ज़्यादा करवाना है तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा. इट मीन्स कि एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जो हीट एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी रेजिस्टेंस के. सिमिलरली अगर आपने करंट की वैल्यू को भी कांस्टेंट कर दिया और रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी कांस्टेंट कर दिया तो डेफिनेटली वो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो पूरी तरह से डिपेंड होगी टाइम पीरियड टी पर. इट मींस कि जितने टाइम तक कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलता रहेगा, ज़्यादा टाइम तक अगर वो चलता रहेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. क्लियर? कि किसी पर्टिकुलर सर्किट से अगर ज़्यादा टाइम तक कोई करंट फ्लो होती रहेगी तो डेफिनेटली वहाँ से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. क्लियर? और ये वाला फिनोमिना हम डेली लाइफ में अक्सर देखते ही हैं कि कोई भी हमारे घर का अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर ज़्यादा देर तक चलता है तो हम उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड महसूस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द अनदर पार्ट, दैट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी सिंपल सी कॉमन एप्लीकेशंस है इसकी जो कुछ आपको सामने नज़र आ रही है. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल टोस्टर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर, इलेक्ट्रिकल आयरन, रूम हीटर, इलेक्ट्रिकल ओवन, इलेक्ट्रिकल कैटल्स, ये सारे की सारे जो इलेक्ट्रिकल बल्ब, ये सारे की सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो हैं ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन है एक्चुअल में, जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है. स्टूडेंट्स, एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी किसी पर्टिकुलर सर्किट से कोई करंट फ्लो होता है या किसी कंडक्टर से जब कोई करंट फ्लो होता है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से देखा कि उसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पर आप जितने भी पर्टिकुलर अप्लायंसेस देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया या इलेक्ट्रिकल रूम हीटर हो गया एट्सेट्रा या इलेक्ट्रिकल आयरन हो गई, यहाँ पर आपको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर क्या, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं या जो आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रिकल हीटर के अंदर इस तरह की स्पायरल या स्प्रिंग के शेप का कुछ एलिमेंट लगा होता है ना. इलेक्ट्रिकल रूम हीटर में भी आपने इस तरह का रॉड देखी होगी या अक्सर कुछ स्पायरल या हेलिकल शेप के कुछ स्प्रिंग्स वगैरह लगे हुए देखे होंगे. देखिए यहाँ पर वाटर हीटर के में आपको क्लियरली ये नज़र आ रहा है. तो एक्चुअल में इस तरह के जो शेप स्ट्रक्चर होते हैं और इनको बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो बहुत ज़्यादा हायर रेजिस्टेंसेस के होते हैं. एक्चुअल में वो अलॉयज़ होते हैं, जो अलॉयज़ होते हैं वो नॉर्मली आपका जो मेटल होता है उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस के होते हैं. अगर मैं बात करूँ नाइक्रोम की तो नाइक्रोम इज़ एन अलॉय, और नाइक्रोम की बात करूँ तो अगर कॉपर से उसका कंपैरिजन करता हूँ तो कॉपर से लगभग 60 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसका. अगर मैं सेम लेंथ का कॉपर लूँ और सेम लेंथ का और क्रॉस सेक्शन एरिया का नाइक्रोम वायर लूँ तो नाइक्रोम वायर जो होगा वो 60 टाइम्स ज़्यादा मुझे
ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर नाइक्रोम वायर से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी रैदर देन कॉपर वायर। यही एक रीज़न होता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट या जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस किए जाते हैं उसमें हम नॉर्मली कॉपर का वायर का यूज़ करते हैं, इसीलिए वो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करते। इसके अलावा इनमें जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो नाइक्रोम वगैरह या मैंगनीन वगैरह जो होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट प्रोड्यूस करने के बाद भी ये पिघलते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आती है वो है इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ बड़ी काम की चीज़ होती है, एक तरह का सेफ्टी कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कुछ पिक्चर्स जिसमें आपको एक फ्यूज़ नज़र आ रहा है इस तरह का, ये कटआउट है जो नॉर्मली ओल्ड कनेक्शन जिन घरों में होंगे वहाँ पर आपने देखा होगा, या ये MCB जहाँ पर अभी न्यू कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वहाँ पर इस तरह के डिवाइसेस लगी होती है। इसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB कहा जाता है। एक्चुअली ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस हैं। ये किस तरह से काम करती है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इनका। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ को समझने के लिए देखिए, आप सिंपल सा सर्किट आपको सामने एक नज़र आ रहा है, बड़ा रफली बना हुआ है ये। सो यहाँ पर सपोज़ कि ये हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और ये है फ्यूज़। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर आपने कोई सप्लाई दी हुई है, चाहे वो बैटरी से दी है या फिर आपने कोई अल्टरनेटिंग करंट AC सप्लाई उसको दे दिया है, सो यहाँ पर गुंजाइश होती है कभी कभी इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस की, मतलब अचानक से कभी कभी करंट के बढ़ने की गुंजाइश होती है, कभी कभी करंट अचानक से बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लो होने वाला करंट डेफिनेटली अभी हमने देखा कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² अभी हमने देखा था। सो यहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसकी डैमेजिंग को रोकने के लिए हम लोग फ्यूज़ या कटआउट या MCB इस तरह के कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। होता क्या है कि इस फ्यूज़ के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, देखिए इस तरह से फिलामेंट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिलामेंट लगाना होता है, जब जो इलेक्ट्रिशियन होता है जब वो कनेक्शन करता है तो फिलामेंट का यूज़ करता है। सो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, ये छोटे से इक्विपमेंट में नॉर्मली ये लगा होता है, हमारे जो छोटे छोटे अप्लाइंसेस होते हैं। तो ये जो फिलामेंट होता है ये बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, मतलब अगर इसको थोड़ी ज़्यादा हीट मिलती है तो ये ब्रेक हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर जो करंट होता है I ज़्यादा फ्लो होता है तो यहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस अगर होती है तो ये मेल्टिंग पॉइंट, ये इस जो फिलामेंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और ये ब्रेक हो जाता है जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जब ज़्यादा करंट फ्लो होती है। तो ये जो हायर एक्सिस करंट है ये आगे डिवाइस तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहता है हायर अमाउंट ऑफ करंट से या हायर अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन से, क्लियर। सो इस तरह से फ्यूज़ जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्लियर। सो आपको समझ में आ रहा होगा हीटिंग इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड जो इसका एप्लीकेशन है वो है लाइटिंग प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपने बल्ब देखा होगा, उस बल्ब में भी एक फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन मटेरियल का, वो भी बहुत ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस का होता है या हायर रेजिस्टिविटी का होता है। तो इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये अपने में से लाइट प्रोड्यूस करने लगता है जब इससे कोई करंट फ्लो होती है या करंट पास होती है, तो इतना ज़्यादा हीटअप होता है कि ये हीटअप होने के बाद अपने में से लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट हैं ये, या मैं कहूँ कि हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस हैं जो कंटिन्यूसली हम लोग हमारे डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, क्लियर। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर टर्म भी काफ़ी कॉमन टर्म है, एक्चुअली हम हर बात हर दिन या हमारी डोमेस्टिक लाइफ में या डेली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं वाट का, है ना। हम नॉर्मली बोलते हैं कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर हम परचेस करने जाते हैं या हमारे घर पर आता है तो हम एक नॉर्मल सवाल जो पूछते हैं कि कितने वाट का है भाई, कितने वाट का है। तो व्हाट इट मीन्स बाय दिस वाट टर्म, सो बड़ा सिंपल सा है। द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट और अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ दैट अप्लायंस। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की एनर्जी को डिफाइन कर रहा होता है या उसकी एनर्जी के रेट को डिफाइन कर रहा होता है। बड़ा सिंपल सा है कि एक पर्टिकुलर सेकेंड में ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, क्लियर। सपोज़ आप कोई घर में सपोज़ इलेक्ट्रिकल टोस्टर लेकर आए 400 वाट का है, आपने सपोज़ उसको देखा कि सपोज़ ये तो 400 वाट का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 400 वाट का मतलब ये है कि जब आप उसको यूज़ करेंगे तो वो एक सेकेंड में 400 वाट की एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, एक सेकेंड में 400 वाट की एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, क्लियर।
सो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। सो इसलिए नॉर्मली जो हमारा पावर होता है वो बेसिकली एनर्जी बाय टाइम होता है। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, या हम इसको यूज़ या भी हमने जैसे कहा कि बेसिकली वर्क ही एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। वाई? बिकॉज वर्क इज़ कन्वर्टेड इन द या वर्क इज़ टू बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू W बाई T। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट P इज इक्वल टू W बाई T। P इज़ अ पावर, W इज़ अ वर्क, T इज़ अ टाइम। और हमें पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ डेरिवेशन किए थे कि बेसिकली वर्क जो होता है वो होता है I स्क्वायर इंटू RT। अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा डेरिवेशन हमने देखा है इसके रिगार्डिंग। सो हो क्या रहा है, ये जो डेरिवेशन आपने देखा है, इस डेरिवेशन में W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू RT को आप ओम्स लॉ का यूज़ करके दो और फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो हम उसको कन्वर्ट करके V स्क्वायर अपॉन R इंटू T में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड V इंटू I इंटू T में भी उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क के एक्चुअली तीन फार्मूले होते हैं, W इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RT, या W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, या W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। इन तीनों ही फार्मूले का यूज़ करके हम पावर के तीन अलग अलग फार्मूले बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल्स टू, क्योंकि P बेसिकली क्या है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। सो जस्ट पुट द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द वर्क हेयर इन ऑल द थ्री इक्वेशंस। P इज इक्वल टू वर्क की जगह हम पहले पुट करते हैं आई स्क्वायर इंटू आर टी। आई स्क्वायर इंटू आर टी पुट अप किया, डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल, फाइनली आई एम गेटिंग आई स्क्वायर इंटू आर। क्लियर? इन द सेकेंड फॉर्म डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी पुट अप किया, डिवाइडेड बाई टी, फाइनली आई एम गेटिंग द वन मोर न्यू इक्वेशन वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर द पावर पी। अगेन पी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। क्लियर? सो पुट द वैल्यू ऑफ W इन द इक्वेशन ऑफ द पावर P। W की जगह हमने V इंटू आई इंटू टी पुट अप किया, डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल, फाइनली आई एम गेटिंग P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पावर की तीन इक्वेशंस आ गई। ये तीनों इक्वेशंस हमें याद रखनी है, हम अभी आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ करेंगे इन तीनों इक्वेशंस का। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर पावर की यूनिट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने पावर को इसकी यूनिट से ही पहचाना एक्चुअल में, कि पावर की जो यूनिट होती है दैट इज़ अ वाट, ये इसकी SI यूनिट कहलाती है। ठीक? अब अगर मैं बात करूँ वाट की, तो बेसिकली वाट की डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने थर्ड इक्वेशन जो कैलकुलेट की P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो फाइनली हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ V इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज़ अ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, एंड लेट अस कंसीडर द V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, सो डेफिनेटली P विल बी इक्वल टू 1 वाट। या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसमें हमने अगर V वोल्ट अप्लाई कर रखा है, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, और उससे फ्लो होने वाला करंट अगर 1 एम्पियर है, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो पावर कंजम्पशन होगा या पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा वो जो बैटरी, वो एक्चुअल में 1 वाट का होगा। इसको हम बोल सकते हैं कि बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेट टू बी ऑफ 1 वाट, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेट टू बी ऑफ 1 वाट इफ़ इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इफ़ इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, व्हेन इट कनेक्टेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्लियर? अब ये जो पावर की यूनिट होती है वाट, ये एक्चुअल में बहुत छोटी यूनिट होती है। नॉर्मली हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं उसमें वो नॉर्मली 500 वाट, 400 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट। सो इस यूनिट को हम इसी यूनिट का एक और फॉर्म देखते हैं, दैट इज़ किलो वाट। इट इज़ बेसिकली 1000 वाट। 1000 वाट के इक्वल होता है 1 किलो वाट। और नॉर्मली ये हमारी जनरलाइज यूनिट होती है कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए जो हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जब पावर की बात चल रही है तो हम बात करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात भी कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल बात करेंगे हमारे घर में जो एनर्जी मीटर लगा होता है, जो बिजली का मीटर लगा होता है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पे करते हैं जिसकी रीडिंग को देख कर। सो वहाँ पर एक बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है यूनिट। हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि इस महीने कितने यूनिट जले, कितना यूनिट कंज्यूम हो गया हमारा। ठीक है? तो ये जो वर्ड यूनिट, इसका मतलब क्या है, कैसे मेज़र किया जाता है इस पर्टिकुलर यूनिट को, या कैसे कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल को? तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम बात करते हैं यूनिट को, तो ये बड़ा शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली। इसका फुल फॉर्म जो है वो बेसिकली बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU।
ये यूनिट बेसिकली है एक्चुअल में बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOTU, जिसको हम शॉर्टली यूनिट बोलते हैं, ओनली यूनिट। और वन यूनिट का मतलब होता है 1 kWh, 1 kWh। आप देखिएगा आपके घर में एनर्जी मीटर जो लगा है ना, आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर लिखा है ये वर्ड kWh, या हो सकता है शायद आपने पहले भी इसको देखा हो। सो यहाँ पर kWh जो होता है, इसीलिए उस एनर्जी मीटर को नॉर्मली kWh मीटर भी बोला जाता है, उसे हम नॉर्मली kWh मीटर भी बोलते हैं। सो वन यूनिट का मतलब होता है 1 kWh। अब ये 1 kWh क्या है या 1 kWh क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है कि एन एनर्जी ऑफ 1 kWh इज स्पेंड, एन एनर्जी ऑफ 1 kWh इज स्पेंड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 kWh इज यूज्ड फॉर 1 आवर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो 1000 वाट रेटिंग का है, 1000 वाट रेटिंग मतलब 1 kW का है, और आपने उस 1 kW के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 घंटा 1 आवर तक यूज़ किया, क्लियर, यू हैव एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ द 1000 वाट और 1 kW एंड यू आर यूजिंग टू दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फॉर एन आवर, क्लियर, 1 घंटे के लिए आपने उसको यूज़ किया, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी मीटर है वो 1 यूनिट शो करेगा, वो 1 यूनिट शो करेगा, क्लियर। इसको और सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि बेसिकली 1 kWh इज इक्वल्स टू 1 kW इंटू 1 आवर। अगर हम बात करें एनर्जी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है, तो हम इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 kW इज इक्वल टू 1000 वाट एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। फाइनली व्हेन यू विल कम कैलकुलेट टू इट, इट हैज़ बिकम दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, एंड ये इसको हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल, जूल, या इस पर्टिकुलर 10⁶ टर्म को नॉर्मली हम लिखते हैं मेगा, कैपिटल एम से शो करते हैं नॉर्मली मेगा, क्लियर। सो ये जो हो जाएगा 3.6 मेगा जूल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा इसको, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ये, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ kWh इन टर्म्स ऑफ जूल। तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर 1 kWh इक्वल्स टू 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल, क्लियर। अब स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, जितने भी हमने अभी तक जो डेरिवेशन देखे या छोटे छोटे फार्मूलेज देखे हैं, उससे रिलेटेड छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। ये देखिएगा, ये सारी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं ये ऑलरेडी प्रीवियसली आस्क्ड हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, क्लियर, एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट। एक इलेक्ट्रिकल आयरन है आपके पास, ठीक है, कपड़े पे प्रेस करने वाली प्रेस है, जब ये अपने मैक्सिमम हीटिंग रेट पर काम करती है या अपने मैक्सिमम पावर कंज्यूम करती है, तब 840 वाट पावर ये कंज्यूम करती है, और जब मिनिमम पावर कंज्यूम करती है तब 360 वाट पावर कंज्यूम करती है, क्लियर, क्लियर। आपने देखा होगा ना, इलेक्ट्रिकल आयरन में एक स्विच होता है जो हीटिंग को कम ज़्यादा करता है, तो सपोज़ आपने उसको फुल पे कर रखा है तब वो 840 वाट कंज्यूम कर रहा है, आपने उसको मिनिमम पे कर रखा है तो वो 360 वाट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली उसको आपने जब प्लग सॉकेट में लगाया हुआ है तो उस इलेक्ट्रिकल आयरन को कितना मिल रहा है, 220 वोल्ट मिल रहा है, मतलब व्हेन द हीटिंग इज एट मैक्सिमम द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, क्लियर। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, अब हमें इस मैक्सिमम और मिनिमम दोनों केसेस में, दोनों ही पावर केसेस में करंट और वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम यहाँ पर दो अलग अलग केस हैं, पहला मैक्सिमम पावर कंजम्पशन केस, तो फर्स्ट केस हमने लिया, सपोज व्हेन आयरन्स एनर्जी कंजम्पशन रेट इज मैक्सिमम, इट मीन्स कि पी की वैल्यू, पावर की वैल्यू 840 वाट यहाँ पर दी हुई है, और वोल्ट की वैल्यू ऑलरेडी 220 वोल्ट दिया हुआ है, और पावर की फार्मूला हमें पता है, पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, क्लियर। सो यहाँ से हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू पी बाय वी, एंड पुट द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 840 एंड वी इज इक्वल टू 220, फाइनली आई एम गेटिंग आई इज इक्वल टू 3.82 एम्पियर, क्लियर। मैंने ये पहले से कैलकुलेट करके रख लिया है ताकि मैं इस लेक्चर को थोड़ा जल्दी जल्दी कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है इस तरह के कैलकुलेशंस करने में। पर आप जो है ये सारे कैलकुलेशंस पहले करेंगे खुद से, पूरा एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे। हाँ, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स में करवा रहा हूँ, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हुए हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको अपनी कॉपी के अंदर फेयर कॉपी में कर लिखना है। चलिए, तो मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन वाले केस में आपने करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, दैट इज़ बेसिकली 3.82 एम्पियर,
तो यहाँ से बाय ओम्स लॉ हम वोल्टेज की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय ओम्स लॉ वी नो वी इज इक्वल टू आई इन टू आर, आपके पास आई की वैल्यू पता है, आपको वी की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ से आर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट भी करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू वी बाय आई 220 डिवाइडेड बाय 3.82, फाइनली यू आर गेटिंग 57.6 ओम। तो आपने मैक्सिमम केस के लिए करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों फाइंड आउट कर ली है। क्लियर एंड डाउट? अब नाउ सेकंड केस, टेक द सेकंड केस, व्हेन द पावर कंजम्पशन इज मिनिमम, जब इलेक्ट्रिकल आयरन का पावर कंजम्पशन मिनिमम है, इट मींस कि वो 360 वाट है, तब अगेन उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, पी इज इक्वल टू वी बाय आई, वी इंटू आई सॉरी। सो यहाँ से आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाय वी। अब पावर कंजम्पशन बेसिकली 360 वाट एंड वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट, सो पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन एंड फाइनली यू आर गेटिंग 1.64 एम्पियर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन केस ऑफ द व्हेन द पावर कंजम्पशन इज मिनिमम ऑफ द आयरन। सो फाइनली आई की वैल्यू आ गई आपके पास, आई इज इक्वल टू 1.64 एम्पियर। अगेन आई की वैल्यू आ गई तो आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप बाय ओम्स लॉ, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ आई इन द ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई इन टू आर, फाइनली यू आर गेटिंग द आर इज इक्वल टू वी बाय आई या 220, दैट्स द वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ करंट 1.64 एम्पियर, एंड फाइनली यू आर गेटिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू 134.15 ओम। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आयरन व्हेन इट कंज्यूमिंग मिनिमम पावर आर इज इक्वल टू 134.15 ओम। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। What is question? 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistor. Find the potential difference across the resistor. एक पर्टिकुलर रजिस्टर है 4 ohm का, उसके अक्रॉस आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, जिसकी वजह से 100 joule की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हर सेकेंड। इट्स मीन्स टाइम की वैल्यू दी है 1 second। क्लियर? हर सेकेंड 100 joule की वैल्यू हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू पता करनी है, कितना पोटेंशियल आपने लगाया है जिसकी वजह से 100 जूल प्रोड्यूस हो रहा है। तो बड़ा सिंपल सा है, बाय द जूल्स हीटिंग इफेक्ट एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इनटू आरटी, हमें पता है। तो एच यहाँ से आई स्क्वेयर निकाल सकता हूँ मैं, आई स्क्वेयर विल बिकम एच बाय आरटी। एच की वैल्यू आपको दी हुई है 100, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 4 ओम, टाइम की वैल्यू दी है 1, फाइनली यू आर गेटिंग आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। सो दो यहाँ से स्क्वेयर रूट आप लेंगे तो फाइनली यू विल गेट आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, आई की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 5 एम्पियर। क्लियर? बट आपको तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है ना, तो बाय ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई इन टू आर, वी आई की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपको पता है, पुट द वैल्यूज, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, आर इज इक्वल टू 4 ओम, फाइनली यू आर गेटिंग पोटेंशियल वी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो नाउ यू आर गेटिंग वेरी सिंपली द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, थ्रू ड्यू टू विच द 5 एम्पियर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूसिंग थ्रू द रेजिस्टेंस 4 ओम। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, इट्स ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। क्लियर? एक 220 वोल्ट का कोई जनरेटर है, ठीक है, कोई जनरेटर है या कोई पावर सप्लाई है। अब सपोज कितना है भाई 220 वोल्ट का, और वो आपने क्या किया, वहाँ से एक बल्ब कनेक्टन कर रखा है, बल्ब का कनेक्शन कर रखा है इससे, ठीक है, जिसकी वजह से 0.5 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। क्लियर? तो 0.5 एम्पियर का जब करंट फ्लो हो रहा है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज़ द पावर ऑफ बल्ब, बल्ब का पावर क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वी की वैल्यू आपको दी हुई है, आई की वैल्यू आपको दी हुई है, पी इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई, पी इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई, पुट द वैल्यूज वी 220 एंड आई 0.5, नाउ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ पावर 110 वाट। क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है जो 400 वाट रेटिंग का है और 8 आवर पर डे यूज़ होता है, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट फॉर इट 30 डेज एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर kWh। क्लियर? आपके पास एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है, डेफिनेटली हमारे घर में होता है, सपोज उसकी पावर रेटिंग 400 वाट है और आप उसको एक दिन में 8 घंटा यूज़ करते हैं, तो बताइए अगर आप उसको पूरा महीना 30 दिन तक उसको यूज़ करेंगे तो कितने रुपए की बिजली वो जो है कंज्यूम कर लेगा, जबकि उसका जो कंजम्पशन रेट है वो 3 रुपीज़ पर kWh। अब देखिए पर kWh, और आपको याद आ रहा होगा हमने कहा था 1 kWh मीन्स 1 यूनिट, तो 3 रुपीज़ पर यूनिट का रेट है इसका। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, गिवन दैट मैं सारी क्वांटिटीज़ हमने ऑलरेडी लिख दी हुई है, ठीक है। अब अगर टोटल की बात करूँगा
तो बेसिकली एनर्जी जो होता है वो पावर इंटू टाइम। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला देखा था, एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम, याद आ रहा है? हम स्लाइड बैक करके देखिएगा आपकी वीडियो को। एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम, और इससे हम यहाँ से निकाल सकते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी इंटू टाइम। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड का सिंबल लग गया है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये बेसिकली फार्मूला, दिस वन इज एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। क्लियर? सो यहाँ पर पावर की वैल्यू आपको दी हुई है 400 वाट, टाइम कितना दिया है भाई, 8 आवर पर डे, और 30 डेज तक का आपको कैलकुलेट करना है, तो आपने 30 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली आपको क्या मिला, टोटल कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, देखिए 400 वाट हो रहा था। ठीक है, 400 वाट हो रहा था, 8 आवर पर डे तक आपका रेफ्रिजरेटर चल रहा था, मतलब 8 आवर तक 400 वाट पर डे कंज्यूम हो रहा है, और फिर इतना पूरा 30 डेज तक रिपीट हो रहा है, तो 30 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल आया 96,000 वाट आवर। अब इस 96,000 को मैं, क्योंकि KWH में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट होता है, तो 96,000 वाट को कितना लिख सकता हूँ मैं, 96 किलो वाट और आवर एज इट इज़। सो फाइनली जो टोटल एनर्जी कंज्यूम हुई है वो 96 किलो वाट की एनर्जी कंज्यूम हुई है 30 डेज़ के अंदर इस रेफ्रिजरेटर के थ्रू। ठीक है, तो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कितने रुपए की बिजली इसने कंज्यूम कर ली है, तो हमें रेट दिया है भाई कि पर KWH 3 रुपीज़ होता है, तो पर 96 KWH का कितना होगा, तो 96 KWH में 3 का मल्टीप्लाई किया, सो फाइनली वी आर गेटिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज ऑफ विच द रेफ्रिजरेटर हैज कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ऑफ 228. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 5। अ लैंप रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द मेंस इलेक्ट्रिक सप्लाई। कोई लैंप है, सपोज 100 वाट का लैंप है, आपने उसको 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्शन कर रखा है, जैसे नॉर्मली हमारे घर में कोई 100 वाट का बल्ब है जिसको हमने सिंपली प्लग में लगाया हुआ है, क्योंकि प्लग का रेटिंग भी 220 वोल्ट ही होता है। सो व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन इफ द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर लैम्प से, करंट कितना फ्लो हो रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन पी की वैल्यू आपको दी हुई है 100 वाट, वी की वैल्यू आपको 220 वोल्ट दी हुई है। ठीक है, और आपसे पूछा है आई की वैल्यू बताइए, तो भाई हमें पता है ना पी इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, तो यहाँ से हम आई इज इक्वल टू पी बाय वी लिख सकते हैं, एंड पुट द वैल्यूज, पी इज इक्वल टू 100, वी इज इक्वल टू 220, फाइनली आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट 0.45 एम्पियर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पढ़ने में कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाकर देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, आपको दिख रहा होगा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1200 वाट टोस्टर इन 20 मिनट्स। एक टोस्टर है आपके घर में जो 1200 वाट का है, और आपने उसको 20 मिनट तक चला के रखा हुआ है भाई। ठीक है, टोस्ट बना रहे हो आप, आपने 20 मिनट तक जला के रखा है उसको, 1200 वाट का उसका पावर रेटिंग है, तो बताइए कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली उसने, कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है 1200 वाट, टाइम की वैल्यू आपको 20 मिनट दी हुई है। अब क्योंकि एनर्जी कंज्यूम करना है, और एनर्जी हम कंज्यूम कर कैलकुलेट करते हैं KWH में, किलो वाट आवर में। ठीक है, सो यहाँ पर हम टाइम भी आवर में ही लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, तो इसलिए हमने ये 20 मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 60 से डिवाइड किया इसको, तो फाइनली मैं टाइम मुझे मिल रहा है 1/3 आवर। ठीक है, तो एनर्जी कितनी होगी, पावर इंटू टाइम, पावर है मेरे पास 1200 इंटू टाइम है 1/3 आवर, सो फाइनली वाट आवर कितना हो जाएगा, 400 वाट आवर। क्लियर, 400 वाट आवर, या अगर मैं इसको KWH में कन्वर्ट करूँगा तो 1000 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.4 KWH, 0.4 KWH की एनर्जी कंज्यूम कर लेगा आपका इलेक्ट्रिकल टोस्टर अगर आप उसको 20 मिनट तक चलाएंगे तो। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, वॉट इज द रेट एट विच द हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द रजिस्टर। ठीक है, आपके पास एक 12 ओम का रजिस्टर है, 12 ओम के रजिस्टर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, एक 12 ओम का रजिस्टर है उससे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो बताइए व्हाट इज द रेट एट विच द हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, वो रेट बताइए जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब देखिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने का रेट उसने पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है बेसिकली पावर जो होता है वो बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, क्लियर,
एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है ना, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एक्चुअली हमसे रेट पूछ रहा है ना, एनर्जी का रेट, तो एनर्जी का रेट मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का रेट पूछ रहा है ना, तो एनर्जी का रेट मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। जब भी रेट की बात होती है ना, तो हमेशा डिनोमिनेटर में टाइम आता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम बात करते हैं। तो एनर्जी का रेट मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर, तो हमें सिंपली यहाँ पर पावर ही कैलकुलेट करना है। देखिए सिंपल थोड़ा सा क्वेश्चन को बस घुमा के पूछा हुआ है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो करंट की वैल्यू हमको 5 एम्पीयर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम दी हुई है, और हमसे पूछा है बताइए पावर कितना है पी। सो हमें पता है आई और आर दिया हुआ है, तो पावर का एक फार्मूला पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है ना, तो पुट द वैल्यूज, आई की वैल्यू 5 स्क्वायर इंटू 12, आर की वैल्यू 12 दी हुई है, फाइनली 300 वाट। तो ये बेसिकली जो रेजिस्टर होगा, ठीक है, ये 300 वाट की हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, या 300 वाट का पावर प्रोड्यूस करेगा, या मैं ऐसा करूँ कि कहूँ कि ये जो रेजिस्टर होगा ये जो इसका एनर्जी प्रोडक्शन जो रेट होगा, द रेट एट विच द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर विल बी पी इक्वल टू 300 वाट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 60 वाट, एक बल्ब है आपका, ठीक है, जिसकी रेटिंग है 60 वाट 220 वोल्ट, मतलब 60 वाट का पावर वो कंज्यूम करेगा और 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसको ऑपरेट करने के लिए। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, उस बल्ब का रेजिस्टेंस बताइए। क्लियर। पहले तो ये कहा, फिर कहा फोर सच बल्ब्स आर यूज्ड फॉर फोर होम्स, अगर इस तरह के चार बल्ब चार घरों में यूज होते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, तो बताइए टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है। अब साथ में एक चीज़ और पूछ ली, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ़ द रेट पर यूनिट इज़ 4.8 रुपीज़, ठीक है, 4.80 रुपये का रेट है अगर पर यूनिट का, तो बताइए टोटल कितने रुपए की बिजली खपत हो गई यहाँ पर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम एक एक लाइन बाय लाइन चलते हैं। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 60 वाट, सपोज हमें पावर की वैल्यू दी हुई है 60 वाट और वोल्टेज की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, हमसे कहा है सिंपली रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ नहीं है, बट आपको करना है। कैसे करेंगे आप रेजिस्टेंस, देखिए V की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, तो देखिए एक पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R, सो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, से यहाँ से आप R कैलकुलेट कर सकते हैं V स्क्वायर बाय P। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V दैट इज़ अ 220 वोल्ट एंड वैल्यू ऑफ P दैट इज़ अ 60 वोल्ट एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक। अब ये पहला तो हो गया। सेकंड, इफ फोर सच बल्ब्स आर यूज्ड फॉर फोर होम्स, तो यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर सपोज अगर चार बल्ब हैं और एक का अगर सपोज हमने कंसिडर किया कि ये एक एक घंटे के लिए जल रहे हैं, ठीक है, एक एक घंटे तक जल रहे हैं ये, तो टोटल टाइम कितना हो गया 4 आवर, ठीक है, क्योंकि चार घरों में यूज़ हो रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली एक होम में चार बल्ब, दूसरे होम में चार बल्ब, तीसरे होम में चार बल्ब, चौथे होम में चार बल्ब, तो एक होम में अगर एक घंटे तक चार बल्ब जल रहे हैं और साइमल्टेनियसली चारों होम में जल रहे हैं, तो टोटल टाइमिंग कितना हो गया 4 आवर। क्लियर। सो यहाँ पर 4 आवर तक 4 बल्ब जो हैं वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिसिटी या टोटल एनर्जी कंजम्पशन की अगर हम लोग बात करें, तो उसका फार्मूला बड़ा सिंपली हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स मल्टीप्लाइड बाय पावर इन kW, ठीक है, एक बल्ब का पावर किलोवाट में, टोटल नंबर ऑफ बल्ब और टाइम कितना हो गया 4 आवर। क्लियर। सो यहाँ पे हम देखेंगे 60 डिवाइडेड बाय 1000, 4 × 60 / 1000, क्योंकि यहाँ पे 60 वाट दिया हुआ है, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो वाट में, ठीक है, इसलिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया और टोटल टाइमिंग कितना हो गया 4 आवर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.96 किलो वाट आवर। क्लियर। टोटल ये इतना पावर कंज्यूम हो रहा है टोटल, कब, जब चार बल्ब चार घरों में एक साथ जल रहे हैं, ठीक है, एक एक घंटे के लिए। क्लियर। सो यहाँ से हम कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए बड़ा सिंपल सा है, हमारे पास टोटल एनर्जी कंजम्पशन आ गया 0.96 किलो वाट, और एक किलो वाट मतलब होता है एक यूनिट, ठीक है, मतलब 0.96 यूनिट आपने कंज्यूम कर लिए, और पर यूनिट का जो रेट दिया है वो 4.8 दिया हुआ है आपको। क्लियर। 4.8 दिया हुआ है, तो 4.8 को 0.96 से मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनली यू आर गेटिंग द रुपीज़ 4.6, 4.60 रुपये जो है कि यूनिट एनर्जी जो होगी या इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो कंज्यूम होगी। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
नाइन्थ क्वेश्चन जो है हमारा उसमें लिखा है, देखिए, द टू कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट। यहाँ पर दो कॉइल्स है सपोज, या दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक 5 ओम का है, दूसरा 10 ओम का है, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, EMF एक बैटरी से जिसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 10 वोल्ट का है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब सिंपली उसका जो पोटेंशियल है, V की वैल्यू वो कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R1 5 ओम का दिया हुआ है यहाँ पर, सेकंड दूसरा रेजिस्टेंस दिया है R2 10 ओम का, और यहाँ पर हमसे पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 मिनट्स बाय ईच कॉइल। ये दोनों जो रेजिस्टेंस है हमारे 5 ओम और 10 ओम के, ये दोनों 5 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, इंडिविजुअली अलग अलग बताना है दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन करना है वो दो पैटर्न के लिए करना है, कि अगर सपोज ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं या फिर दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके अगर सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि रेजिस्टेंस सपोज किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है रेजिस्टेंसेस का, तो आपको याद आ रहा होगा कि पोटेंशियल दोनों की दोनों रेजिस्टेंसेस पे क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो अगर सपोज पहला हमने कंसिडरेशन लिया कि सपोज हमारा जो रेजिस्टेंसेस है वो पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो इस केस में 5 ओम रेजिस्टेंस और 10 ओम रेजिस्टेंस दोनों के लिए वी की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, सेम होगी, 220 जो 10 वोल्ट हमें दी है वो, ठीक है, 10 वोल्ट ही होगी, क्लियर। 5 ओम और 10 ओम दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए वोल्टेज की वैल्यू हमेशा सेम होगी। तो हम यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, एनर्जी होती है आपकी पावर इनटू टाइम, पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर, और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने टी को, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर, आर की वैल्यू अभी 5 ओम के लिए हम बात कर रहे हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 5, और टाइम हमें कितना दिया था, 5 मिनट्स, तो 5 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 300 सेकंड्स हो गया है, ठीक है। तो 300 यहाँ पर पुट अप किया, फाइनली ये जो एनर्जी आई है, अब क्योंकि टाइम को हमने सेकंड में लिया था इसलिए ये जो एनर्जी है इसको हम जूल में कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ जूल, ठीक है। तो ये आ गया 6000 जूल, या 6 किलो जूल भी लिख सकते हैं इसको, 6 किलो जूल, ठीक है। इसी तरह से 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए भी हम लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, सेम पावर इनटू टाइम, तो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर, अब यहाँ पर सिर्फ आर की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, तो आर की जगह हमने 10 पुट अप किया, बाकी एज इट इज़ वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट, फाइनली टाइम तो सेम ही है 300 सेकंड्स का, फाइनली हमें यहाँ पर मिलेगा 300 जूल, या इसको हम लिख सकते हैं 3 किलो जूल। तो इस तरह से जब आपने पैरेलल में कनेक्शन किया है 5 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस का, और उससे 5 मिनट्स के लिए इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है, तो कब, जब आपने 10 वोल्ट की बैटरी उस पर अप्लाई कर रखी है, तो दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी, और फाइनली हम इंडिविजुअली अलग अलग 5 ओम रेजिस्टेंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और 10 ओम रेजिस्टेंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हम अलग अलग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब सिमिलरली आपने रेजिस्टेंस को क्या कर रखा है, सीरीज में कनेक्शन कर रखा है। दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली हमें पता है कि सीरीज में हमेशा करंट की वैल्यू सेम होती है, दोनों ही रेजिस्टेंसेस के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो यहाँ से मैं एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखिए, एनर्जी का अगेन रिलेशन पावर इनटू टाइम, अब यहाँ पर पावर के लिए फार्मूला मैं करंट वाला लिखूँगा, I स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। सो I स्क्वायर इंटू आर मैंने पुटअप किया, और टाइम के लिए टी पुटअप किया, फाइनली आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, उसको हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं किसी रेजिस्टेंस सर्किट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हैं सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उन दोनों का एडिशन, तो फाइनली 5 + 10 हो गया टोटल 15 ओम, और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू ऑलरेडी 10 वोल्ट दी हुई है हमें, ठीक है। सो यहाँ से ओम्स लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओम्स लॉ से आई की वैल्यू हो गई वी अपॉन आर, सो आई की वैल्यू हो गई वी अपॉन आर, तो वी की वैल्यू ऑलरेडी 10 है हमारे पास, आर की वैल्यू 15 है, तो फाइनली करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3 एम्पियर। तो यहाँ से करंट की वैल्यू भी आ गई, तो हमने यहाँ पर करंट की वैल्यू पुट अप की, उसका स्क्वायर लिया, ठीक है। उसके बाद टाइम की वैल्यू ऑलरेडी आर की वैल्यू अगर मैं 5 ओम के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ ये, तो 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए, तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 5 ओम, एंड टाइम दिया हुआ है 300 सेकंड्स। सो फाइनली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 666.7 जूल। तो 5 ओम का रेजिस्टेंस अगर जब सीरीज में कनेक्शन होगा इसका, तो ये 666.7 जूल की एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। अगर
हम बात करें 10 वोल्ट के 10 ओम के रेजिस्टेंस की, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस क्या करेगा, सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, सिर्फ आर की जगह हम यहाँ पर 10 पुट अप करेंगे, तो इस केस में ये कंज्यूम करेगा 1333.3 जूल की एनर्जी को। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसको। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा सिंपल सा है, इन ए हाउस होल्ड 460 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 2 आवर्स, किसी घर में 60 वाट के 4 बल्ब हैं और उसको 2 घंटे के लिए जलाया जा रहा है, एंड 200 वाट बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स एवरी डे, एंड 2 बल्ब 100 वाट के हैं जिसको 4 घंटे तक जला रहे हैं। ठीक है, एक घर में टोटल 6 बल्ब लगे हुए हैं, 4 बल्ब जो हैं वो 60 वाट के हैं जिसको आप 2 घंटे तक जलाते हैं, और 2 बल्ब जो हैं वो 100 वाट के हैं जिसको आप 4 घंटे तक जला रहे हैं हर दिन। तो कहा गया है कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द हाउस फॉर 30 डेज, तो बताइए 30 दिन में टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे ये, और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑल्सो वाइल द रेट इज़ 5.6 रुपीज़ पर kWh या पर यूनिट। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम 60 वाट के बल्ब की बात करते हैं, तो 60 वाट के जो बल्ब होंगे उनकी क्वांटिटी कितनी दी हुई है यहाँ पर, 4। क्लियर, तो ये 60 वाट के बल्ब जो हैं वो 4 हैं, तो टोटल पावर इनका हो गया 240 वाट। ठीक है, टोटल पावर हो गया इनका 240 वाट। इसी तरह से ये कितने घंटे टाइम के लिए जल रहे हैं, 2 आवर्स के लिए। इसी तरह से हम 100 वाट के बल्ब की बात करें, तो इनकी क्वांटिटी कितनी है, 2, तो इनका टोटल पावर कंजम्पशन हो गया 200 वाट का, ये सपोज़ कितने टाइम के लिए जल रहे हैं, 4 आवर्स के लिए, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन हमें 30 डे का निकालना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, टोटल एनर्जी कंजम्पशन अगर 60 वाट के बल्ब के लिए निकालूं, तो नंबर ऑफ़ बल्ब हो गए पावर ऑफ द सिंगल नंबर ऑफ़ बल्ब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पावर इन kWh ऑफ द सिंगल बल्ब, टाइम इन आवर पर डे और नंबर ऑफ़ डेज, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, फाइनली आपके पास दिया हुआ है 60/1000 पावर इन kWh, पावर आपको 60 वाट दिया है, इसको आप जब kWh में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, फाइनली आपने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया 1000 से। ठीक है, और आपको यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, टाइम 2 आवर्स का है, तो 2 आवर्स पर डे चल रहा है, तो टाइम के लिए 2 लिख दिया यहाँ पर आपने, एंड 30 डेज़ के लिए टोटल। सो फाइनली जो 60 वाट के 4 बल्ब होंगे वो टोटल 30 डेज़ के अंदर 14.4 kWh की एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, जो 60 वाट के आपके बल्ब हैं वो 30 डेज़ के अंदर 1 महीने में 14.4 kWh की एनर्जी कंज्यूम करेंगे। वहीं पर अगर आप 100 वाट के बल्ब की बात करेंगे, तो 100 वाट के बल्ब को भी सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो देखिए ये नंबर ऑफ़ बल्ब हो गए 2, 100 वाट का बल्ब है, इसको kWh में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड किया, टोटल ये 4 आवर तक कंटिन्यूशन जल रहे हैं, और नंबर ऑफ़ डेज अगेन 30 ही है, तो ये हो गया टोटल 24 kWh एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, तो टोटल अपना 100 वाट का जो बल्ब है वो 1 महीने में 24 kWh की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जबकि आपके 60 वाट के बल्ब जो हैं वो 14.4 kWh की एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना हो गया, दोनों का ऐड कर दीजिए, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन हो गया आपका 14.4 + 24। क्लियर, 14.4 + 24 = 38.4 kWh। अब आपके पास टोटल एनर्जी कंजम्पशन आ गया, आपके पास पर kWh या पर यूनिट का रेट है आपके पास 5.6, तो चलो 38.4 को 5.6 से मल्टीप्लाई करो, तो फाइनली आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आ गया 215.04। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस वॉज द लास्ट न्यूमेरिकल। क्लियर, अगर आपको इस अभी हमने आज के लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा, इसमें अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, कोई क्यूरीज है, तो श्योरली आप मुझे ग्रुप पर इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर, थैंक यू।